आरजेडी से तरफ से करके भेजा गया था सदन में, इस बार आप एनडीए की तरफ से क्या कहेंगे? उस समय भी नीतीश जी साथ थे, आज भी जिस दल में है गए हैं उस नीतीश जी साथ है, रह गया कि हम आरजेडी छोड़े। राज माता का उलुकदाही मैंने दुआई दे रहा है कि राज माता को हटाए, राधाचरण से हटाए, लेकिन हम अपने भारत माता को सुरक्षित के लिए आए हैं, देश के सुरक्षित के लिए आए हैं। उन लोगों का एक परिवार का विकास चाहिए, हमारे नेता लोगों का सारा देश का विकास चाहिए, सबका साथ सबका विकास, समाज न्याय के साथ विकास। और उन लोग का सब नेता कह रहे हैं कि हमारे राजमाता को हटाए, राजमाता को हटाए, और उनका राजमाता का ही एक परिवार का विकास चाहिए। हमारे सभी नेता लोगों का, एनडीए का जो नेता है, उन लोगों को देश के विकास चाहिए, देश सुरक्षा कैसे रहेगा उसके लिए उन लोग तत्पर है, जिला बिहार राज्य कैसे विकास करेगा, विकास के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे बिहार के लोग, वो हमारे नेता लोगों का विजन है। तो राधाचरण जी, ऐसा लगता था ना कि राजद बात थे तो जो देश के माता है वो सुरक्षित नहीं थी, देश सुरक्षित नहीं था, राजद के साथ थे तो। आपने कहा कि उनको एक माता की चाहिए था और हम उधर देश की सुरक्षा को लेकर उनके लोग, हाँ तो आपने कहा कि जब देश की माता की चिंता हमको सताई तो राजद छोड़कर एनडीए में आ गए। तो आपको लगता है ना कि यदि देश में या प्रदेश में जब तक आरजेडी महागठबंधन की सरकार रहेगी तो भारत माता भी असुरक्षित है और बिहार भी असुरक्षित है? समय से भारत माता का हर गांव के एक एक आदमी असुरक्षित महसूस कर रहे थे उस समय। आप भी देखते हैं कि रोड का क्या स्थिति उस समय था, क्राइम कंट्रोल का देखिए रहे थे कि उस समय क्राइम कितना था कि दिन में मैंने। राधाचरण जी, 31 दिसंबर 2018 को जो मुजफ्फरपुर में कांड हुआ शेल्टर होम का, वो आपके सरकार में हुआ। गाय घाट के शेल्टर होम को जो कांड हुई हमारे क्वेश्चन पर हुए, सरकार मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ हमारे क्वेश्चन पर हुए, उजागर हुआ था, आप पता कर लीजिएगा, किताब में छपा हुआ है, हमारा ही क्वेश्चन था। मान लीजिए हम उस दल में भी रहे, अगर कोई भी हमारे सरकार गलत करेगी तो उस पर तो हम आवाज़ उठाएंगे। तो रामराज है अभी लगता है? रामराज नहीं है, लेकिन उनसे तो अच्छा है। पहले लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, आज सुरक्षित महसूस कर रहे। क्राइम पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, लेकिन पहले का लोग क्राइम करता था, रोड पर सीना ताल कर घूम रहे थे। आज का क्रिमिनल लोग है कि जेल के सलाखे के अंदर है, स्पीडी ट्रायल करा कर हमारे नेता सब लोग को सजा दिलवा रहे हैं। देख रहे हैं सरकार कितनी गंभीर है। राधाचरण सेठ जी, गाय घाट शेल्टर होम में निकल करके एक बालिका चिल्लाती रही और उसका FIR तक आप लोगों ने दर्ज किया। आपके पार्टी के नेताओं ने जब मांग की तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और तब FIR दर्ज हुआ। तो आपको नहीं लगता कि सरकार किस तरह चल रही है बिहार में? तो उसमें कौन ठाकुर थे, सब लोग सजा हुआ कि नहीं? इसी सरकार में बात कर रहा हूं। पिछले सप्ताह जो घटना घटी है, पिछले सप्ताह जो महिला चिल्ला रही है लगातार कि अंदर शोषण किया जाता है महिलाओं, शेल्टर होम है वहाँ के जो महिला निकल करके अपना बयान देती रही, उसका FIR तक दर्ज नहीं हुआ। जब मांगे उठी तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तो आखिर आपके सरकार, आपकी पुलिस है इस प्रदेश में, तो क्या सुरक्षित है महिलाएं? आप अभी समझ नहीं रहे हैं कि माने लोग सुरक्षित है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले भी पटना गए होंगे, आज भी पटना आप जाते हैं तो क्या माने 5 घंटा में हम लोग किसी जगह से पटना में आ जाते हैं? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दे क्या? विकास का मुद्दा, हमारे कुछ मुद्दा नहीं है, हमारे नेता विकास किया है, विकास के नाम पर वोट होगा, विकास के नाम पर लोग वोट देंगे। राधाचरण सेठ जी, आपको याद होगा कि आप यहीं से MLC हैं, आरा से, यहाँ से आप यहाँ से MLC, उसके बावजूद भी यहाँ के किसानों को यूरिया लेने के लिए उत्तर प्रदेश का चक्कर लगाना पड़ा और आप में से कोई एक जनप्रतिनिधि किसानों के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। रहा यूरिया का, कभी कभी तो किल्लत होता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी किल्लत नहीं होता है, लेकिन अभी तो हमारे आरा में बैगन का बैगन लगा हुआ है, जितना जरूरत है उससे ज़्यादा मैंने अभी खाद उपलब्ध। हाँ, उस राज्य में भी बहुत ज़्यादा गलती होता था, अभी छोटा मोटा तो मैंने राम राज तो नहीं बनेगा, राम राज में भी उस समय भी कुछ ना कुछ होता था, आज भी मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा पहले जाता था। जीत से लेकर अस्वस्थ है? जीत के लिए 200% असंतुष्ट। सुना, जैसे आप कहा करते थे कि हम लालू के ये हैं, आज कैसे हृदय परिवर्तन हो गया इतना? जिस दल में हम लोग रहेंगे उसको तो चाहेंगे ना, उसका गुणगान करेंगे। हाँ,
मान लीजिए कि हम कुछ खामी देखे इधर अच्छे देखे तो हम अपने आगे, ये नहीं कि अपने टिकट के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं। एक विजेंद्र यादव को टिकट के लिए वादा किए थे, ऐसा तो नहीं है कि उस दल को छोड़ने के बाद उस दल का बुराई करने लगे। नहीं नहीं, बुराई का माने हम ही बुराई कर रहे हैं, पूरा देश बुराई, पूरा राज्य बुराई कर रहा था, हम ही बुराई कर रहे हैं। राधाचरण सेठ जी, आप पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लग रहा है कि राजद ने पहली बार आपको सदन में भेजा, उसके पीठ में छुरा घोंप दे केवल सीट के लिए कि हम नगर जिला पैथी में विधान परिषद में एमएलसी में बने रहे, उसके लिए जब आपने देखा कि उधर दाल निकलने वाले तो आपने तुरंत पलटी मार लिया। नीतीश जी तो हम एमएलए में जगदीशपुर लड़ा रहे थे, हम रिपोर्ट किए कि जिसके चलते हम आए थे उसको टिकट मिला विजेंद्र यादव को, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो हम अपने के लिए राजनीति, हम लोग प्योर शुद्ध रूप से तो राजनीति है नहीं, 50 साल से हम बिजनेस किए हैं, 80% बिजनेस, 20% राजनीति, यानी व्यापार को सुरक्षित करने के लिए। व्यापार को सुरक्षित, व्यापार से मन भर गया, 50 साल की आपका व्यापार ही करते रहेंगे। राजमाता के लिए कुछ कहेंगे? क्या राजमाता के लिए? राजमाता तो अपने अपने, हम राजीव माता को क्या कहेंगे, हम थोड़े बने राजमाता को क्या, वो लोग कह रहे हैं कि राजमाता को गद्दी से उतार दिए, राजमाता को ये किए, लेकिन हम राजमाता को तो कुछ नहीं। लेकिन आपके धोखाबाजी का उनका जो नेता प्रतिपक्ष के जो सरकार था विधान परिषद में, वो तो छिन गया ना, ये धोखाबाजी होगा। हम नीतीश जी के साथ लड़े थे चुनाव, 4 साल उनके ईमानदारी से थे ना, तो नीतीश जी का वोट लेकर हम नहीं बोले थे का ठीक है।